हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? तो आज का ये जो सेशन है वो स्पेसिफिकली कुछ बच्चों की डिमांड पर है, क्योंकि कई मैसेजेस मुझे मिले हैं और बच्चों ने मुझसे कहा है कि सर ये वाला न्यूमेरिकल बता दीजिए एक बार, ठीक है? क्योंकि कई लोगों ने पूछा, तो इसलिए मैंने उनको ये प्रॉमिस किया था कि मैं ये यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है? तो आप रिवाइज करते रहना इसे कितनी भी बार। और यही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में से ड्रॉप इन करो और आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में डेंसिटी के न्यूमेरिकल से। तो भाई ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होंगी, ताकि ये न्यूमेरिकल हम लोग कर सकें सीधे। तो आप जरा देख लेते हैं एक बार न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल है द मेटल कैल्शियम, कैल्शियम मेटल की बात हो रही है, क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल। अब भाई तीन तरह के यूनिट सेल प्रीडोमिनेंटली होते हैं हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल में, एक सिंपल क्यूबिक, दूसरा BCC और तीसरा FCC। तो FCC यूनिट सेल है तो हमें Z यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से, गिवन डेटा में लिखेंगे हम लोग, ठीक है? FCC यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू 4, ठीक है? Z इज इक्वल टू 4, ध्यान रखना है FCC के लिए। तो विद एज लेंथ ऑफ 0.556 नैनोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मेटल इफ नंबर वन इट कंटेन 0.2% फ्रिंकल डिफेक्ट, एंड नंबर सेकंड इज इफ इट कंटेन 0.1% शॉटकी डिफेक्ट। और कैल्शियम का एटॉमिक मास अगर दे रखा होगा तो अच्छी बात है, वरना मालूम होना चाहिए कि ये 40 होता है कैल्शियम का एटॉमिक मास। तो इस न्यूमेरिकल में देखो, किसी भी न्यूमेरिकल में मैंने हमेशा आप लोगों को ये समझाया, क्या समझाया मैंने हमेशा ये समझाया आप लोगों को कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो उसे बार बार पढ़ो मत, एक बार पढ़ो और एक जैसे जैसे आप लाइन वाइज लाइन पढ़ रहे हो गिवन डेटा लिखते रहो साथ साथ। तो चलो करते हैं कम। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा, ठीक है? तो ऑर्डर वाइज चलते हैं, मेटल कैल्शियम क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल। तो भाई FCC यूनिट सेल के लिए Z, Z यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल FCC के लिए कितने होते हैं? 4 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है? सिंपल क्यूबिक होता तो Z की वैल्यू 1 ले लेते हैं, BCC होता तो Z की वैल्यू 2 ले लेते हैं, FCC है तो 4 लेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। विद एज लेंथ, एज लेंथ का सिंबल हो गया A, एज लेंथ की वैल्यू ये दे रखी है यहाँ पर हमें 0.556 नैनोमीटर। अब भाई क्योंकि डेंसिटी का न्यूमेरिकल और डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर नैनोमीटर या पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में वैल्यू देके रखते हैं, तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो लेट्स कन्वर्ट नैनोमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 0.556 नैनोमीटर का मतलब हो गया 0.556 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नैनो मीन्स 10⁻⁹। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर कर ये हो जाएगा 0.556 इंटू 10⁻⁹, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो यानी 100 सेंटीमीटर। कितनी आ गई वैल्यू? ये वैल्यू आ गई जी यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और वी कैन राइट 0.556 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब चाहे आप ये वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 5.56 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये हो गई ए की वैल्यू, सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? फिर आगे क्या लिख रहे हो? कैलकुलेट द डेंसिटी, यानी टू कैलकुलेट, हमें डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टू कैलकुलेट, हमें निकालनी है डेंसिटी जिसे हम रो से इंडिकेट करते हैं। कुछ लोग डी भी लिख देते हैं, लेकिन ऑफिशियल सिंबल जो IUPAC ने दिया है इस चैप्टर के लिए वो डेंसिटी रो है, क्योंकि डी हम स्मॉल डी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को भी कहते हैं, ध्यान रखना, तो इसलिए रो लिखना ज़्यादा बढ़िया है। तो डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और कंडीशन दे रखी है इफ इट कंटेन 0.2% फ्रिंकल डिफेक्ट एंड 0.1% शॉर्ट की डिफेक्ट। तो फ्रिंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट जो कि हम लोग इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड में पढ़ चुके हैं, तो वो बोल रहे हैं डेंसिटी निकालो। यही इसमें पेज है एक्चुअली में, कि अगर 0.2% फ्रिंकल डिफेक्ट होगा तो डेंसिटी कितनी होगी, और 0.1% अगर शॉर्ट की डिफेक्ट होगा तो डेंसिटी कितनी होगी। यहाँ पर एटॉमिक मास की भी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ लिख देते हैं 40 ग्राम पर मोल, ठीक है? तो पहला स्टेप क्लियर है सब लोगों को। पहला स्टेप ऐसा है कि न्यूमेरिकल को बार बार पढ़ो मत, न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ो और गिवन डेटा लिखो सिंबल के फॉर्म में, क्या कैलकुलेट करना है उसे लिखो सिंबल के फॉर्म में। तो ये हमने न्यूमेरिकल पढ़ा, और ये गिवन डेटा ये है हमारे पास, जो हमारे पास रिसोर्स है, और क्या कैलकुलेट करना है वो ये है हमारे पास, ठीक है? तो अब इससे हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने देखा कि कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर जो 2 दे रखी है, दोनों में एक कॉमन चीज़ है, और वो है हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है।
बस सिर्फ फर्क ये है कि एक जगह पर उन्होंने मेंशन करा है फ्रेंकल डिफेक्ट और दूसरी जगह पर उन्होंने मेंशन करा है शॉटकी डिफेक्ट। तो पहले सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, गिवन डेटा हम लोग लिख चुके हैं, क्या कैलकुलेट करना है हमें मालूम है, कंडीशन हमें मालूम है, फार्मूला देखो क्या क्या अप्लाई होगा, फार्मूला डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी का फार्मूला हमें मालूम है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, जहाँ पर जेड का मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कैपिटल एम का मतलब हो गया एटॉमिक मास, या अगर मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास, इसके इसमें भी एटम है हमारे पास कैल्शियम एटम, तो इसलिए एटॉमिक मास लेंगे हम लोग 40। जेड की वैल्यू हमें मालूम है 4 FCC के लिए, ठीक है। ए यानी एज लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, उसे ध्यान रखना। एन ए यानी एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10²³ मालूम है हम लोगों को, तो ये हो गया हमारे पास, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर आंसर नहीं निकालना है, पहले हम लोग केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 में क्या लिखा है उन्होंने कि वो बोल रहे हैं इन केस ऑफ 0.2% फ्रिंकल डिफेक्ट, मैं शॉर्टकट में फ्रिंकल डिफेक्ट को एफ डॉट डी लिख रहा हूँ, 0.2% फ्रिंकल डिफेक्ट केस नंबर 1 में उन्होंने दिया है। 0.2% फ्रिंकल डिफेक्ट में क्या होगा, तो भाई फ्रिंकल डिफेक्ट क्या होता है जरा रिकॉल करो, डायग्राम देखो सामने अपने फ्रिंकल डिफेक्ट का, ठीक है। फ्रिंकल डिफेक्ट में जैसा आप देख रहे हो कि एक आयन अपनी जगह से मिसिंग होगा और वो आयन नियर बाय इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करके रखता है, तो जैसा हम लोगों ने इम्परफेक्शन में पढ़ा था कि आयन सॉलिड छोड़कर तो नहीं गया ना, है वो सॉलिड के अंदर ही, है वो सॉलिड के अंदर ही, तो इसीलिए फ्रिंकल डिफेक्ट का डेंसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे फ्रिंकल डिफेक्ट 0.2% हो या 0.5% हो या 1% हो या 2% हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिंकल डिफेक्ट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, तो इसलिए यह हमारे साथ खेला हो गया, ठीक है ध्यान रखना। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन फ्रिंकल डिफेक्ट, इन फ्रिंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन सेम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन सेम, डेंसिटी ऑफ सॉलिड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर हम लोग आंसर निकालने वाले हैं यहाँ पर। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रो इज इक्वल टू जेड यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 दे रखे है, कैपिटल एम की वैल्यू 40 है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास है 5.56 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब, और एन ए की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें मालूम होती है 6.022 × 10²³। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर हमारे पास आ जाएगा रो इज इक्वल टू 4 × 40 हो गया यानी 160 अपॉन 5.56 का क्यूब अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 171.87, आप भी क्रॉस चेक कर लेना एक बार, 10⁻¹⁸ × 3 हो जाएगा 10⁻²⁴ × 3 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, चलो उसे बाद में लिख लेंगे, और ये हो गया 6.022 × 10⁻²³। फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 160 और 10⁻²⁴ और 10⁻²³ ऐड कर दो, ठीक है, बेस में पावर ऐड हो जाएगी तो −24 + 23 हो गया 10⁻²⁴ 10⁻²⁴ और यह आ जाएगा मल्टीप्लाई कर जब 171.87 और 6.022 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल कम अराउंड 1035, 10⁻²⁴ को ऊपर भेज दो तो इट विल बिकम 1600 अपॉन 1035 एंड डिवाइड बोथ ऑफ देम, 1600 और 1035 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.546 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, दिस इज द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ सॉलिड, या एक्चुअल डेंसिटी है सॉलिड की, और फ्रिंकल डिफेक्ट में भी एक्चुअल डेंसिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि फ्रिंकल डिफेक्ट में एक आयन यूजुअली कैटायन अपनी जगह छोड़कर तो जाता है लेकिन वो सॉलिड के अंदर ही रहता है जैसे मैंने बताया था आपको, तो क्योंकि है वो उसी सॉलिड के अंदर, ये वही बात है कि आपके घर के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है वो सामान पड़ा हुआ है, बस आपने उसको उसकी जगह बदल दी, एक कॉर्नर से हटाकर आपने उसे दूसरे कॉर्नर में रख दिया उसी कमरे के अंदर, तो डेंसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना भाई, तो डेंसिटी विल रिमेन सेम। तो ये तो हो गया फ्रिंकल डिफेक्ट की कहानी, परसेंटेज का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, चाहे कितने भी परसेंट लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड कैटेगरी पर, सेकेंड कैटेगरी उन्होंने दिया है हमें कि 0.1% शॉटकी डिफेक्ट नंबर सेकेंड इन केस ऑफ 0.1% शॉटकी डिफेक्ट, और शॉर्टकट में मैं SD लिख देता हूँ शॉटकी डिफेक्ट, तो जी 0.1% शॉटकी डिफेक्ट है,
अब ये मेन मुद्दे वाली बात है, क्योंकि शॉटकी डिफेक्ट में जैसा आप देख सकते हो अपने सामने शॉटकी डिफेक्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, शॉटकी डिफेक्ट में जैसा हमने पढ़ा था इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं अपने नॉर्मल लैटिस साइट से, अपने नॉर्मल पोजीशन से। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशंस, मिसिंग, दे आर नॉट देयर इन द सॉलिड, दे आर मिसिंग एंड इक्वल नंबर में, सो एज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ताकि सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, क्योंकि गायब हो गए तो इसलिए डेंसिटी विल डिक्रीज। तो शॉटकी डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो भाई शॉटकी डिफेक्ट आने के बाद 0.1% शॉटकी डिफेक्ट आने के बाद डेंसिटी भी 0.1% कम हो जाएगी। अब इसे करने के दो तरीके, एक तरीका बहुत लंबा तरीका है जो यूजुअली टीचर्स लोग समझाते भी हैं और जो बुकों में भी लिखा रहता है, और एक है शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका मैं पहले लॉन्ग तरीका बता देता हूँ आपको क्या करना रहता है बुक में, ताकि आपको उसकी भी नॉलेज हो, फिर शॉर्टकट तरीका मैं एंड में बताता हूँ आपको। तो चलो देखो, लॉन्ग तरीका ये है कि जेड 0.1% शॉटकी डिफेक्ट आने के बाद जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा जेड पर, जेड यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। FCC में एक यूनिट सेल में चार एटम होते हैं, वो बोल रहे हैं 0.1% शॉटकी डिफेक्ट आ गया। तो शॉटकी डिफेक्ट में हमें मालूम है कि डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो 0.1 नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कम हो जाएंगे 0.1। तो पहले डिफेक्ट आने से पहले जेड की वैल्यू क्या थी? फोर। डिफेक्ट आने के बाद बताओ जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? शॉर्ट के डिफेक्ट आने के बाद जेड की वैल्यू यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बढ़ गए या कम हो गए? कम हो गए। कम होने का मतलब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितने कम हुए? 0.1% कम हुए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.1% ऑफ 0.1% किसका कम हुए? जितने थे यानी 4 का। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.1% का मतलब हो गया 0.1/100, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 4। तो यह हो गया 4 माइनस 0.004, यानी यह आ गया 3.996। तो यह है जी 3.996 आ गया जेड की वैल्यू। अब ये पूरा न्यूमेरिकल आपको वैसे ही करना है, बस जेड ये लेना है। तो जब जेड ये लोगे, पूरा न्यूमेरिकल वैसे ही करोगे, तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला? ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू जेड की वैल्यू हम लेंगे 3.996। ठीक है, शॉर्ट के डिफेक्ट आने के बाद नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कम हो गए, एटॉमिक मास की वैल्यू एज इट इज है, एज लेंथ की वैल्यू 5.56 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर होल क्यूब एज इट इज है, अवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²⁰ एज इट इज है, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर वैल्यू आ जाएगी 1.544 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये इसके अराउंड आएगी वैल्यू, यानी पहले वाले से 1.546 जो पहले वैल्यू आ रही थी हमारी, उससे कम आएगी वैल्यू। 1.546 थी पहले, अब 1.544 आ रही है, ध्यान रखना। भले ही थोड़ा सा फर्क है, डिफेक्ट भी तो 0.1% ही है, तो डेंसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, एक तरीका तो ये है, इसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये वैल्यूज़ पूरी सॉल्व करके तब डिवाइड करके आंसर निकालना है। अब भाई इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, जरा गौर करो। ठीक है, शॉर्टकट तरीका देखो, शॉर्टकट तरीका ये है कि शॉटकी डिफेक्ट आने के बाद सॉलिड की जो डेंसिटी है, सॉलिड की डेंसिटी जो है शॉटकी डिफेक्ट 0.1%, शॉटकी डिफेक्ट आने के बाद जो सॉलिड की एक्चुअल डेंसिटी है वो बताओ बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। एक्चुअल डेंसिटी सॉलिड की कम हो गई, एक्चुअल डेंसिटी ऊपर वाले पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। तो हम स्मार्ट काम करेंगे हम लोग, हम गधे की तरह काम नहीं करेंगे, ध्यान रखना। मेहनत गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है। गधा यानी सिर्फ, ठीक है, सिर मेहनत, नो दिमाग। घोड़े की तरह मेहनत करने का मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना। तो अगर जानवर ही बनना है तो घोड़ा बनो, गधा मत बनो। तो कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट की डिफेक्ट आने के बाद डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल डेंसिटी, एक्चुअल डेंसिटी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेंसिटी, और इसके नीचे लिख देता हूँ एक्चुअल, जो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। कम हो जाएगी का मतलब माइनस। कितनी कम हो जाएगी? कितनी कम हो जाएगी? 0.1% कम हो जाएगी अपनी एक्चुअल वैल्यू के, एक्चुअल वैल्यू के, ध्यान रखना एक्चुअल वैल्यू के। तो एक्चुअल वैल्यू के 0.1%, 0.1% ऑफ एक्चुअल डेंसिटी, ऑफ एक्चुअल डेंसिटी। क्यों, बात समझ गए? तो एक्चुअल डेंसिटी जो जो हमने निकाली थी शॉर्ट के डिफेक्ट आने के बाद, वो एक्चुअल डेंसिटी कम हो जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू के। अगर 10 थी, मान लो फॉर एग्जांपल 10 थी, तो 0.1% ऑफ 10 कम हो जाएगी। 10 का 0.1% निकालो, 10 से कम कर दो उसे, तो सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो क्या होगा आंसर?
एक्चुअल डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? ये आई थी 1.546 मेरे हिसाब से, जरा वेरीफाई कर लो, इतनी आई थी। माइनस 0.1% का मतलब हो गया 0.1/100, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, एक्चुअल डेंसिटी की वैल्यू यही है 1.546। सॉल्व कर लो अभी साहब, ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास डेटा, डेंसिटी आफ्टर 0.1% शॉर्ट की डिफेक्ट इज इक्वल टू 1.546 माइनस 1.546 अपॉन 1000। ये 0.1 को 0.1 हटाओ और नीचे एक जीरो बढ़ा दो तो 0.1 1/10 होता है, तो अपॉन 1000 हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू 1.546 माइनस 0.001546 एंड इट विल ऑल्सो कम अराउंड 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेना, 0.001546 है और माइनस करोगे तो 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमने कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करी, कोई क्यूब करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये शॉर्टकट तरीका, और इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो होपफुली इस क्वेश्चन को करने का तरीका सब लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़े आप ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन के शुरुआत में मैंने आपको क्वेश्चन की इमेज दे रखी है, आप वहाँ से क्वेश्चन को कॉपी भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। इसी तरह के और क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप इन करिए या मुझे व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई विल मेक दिस थिंग श्योर कि आपकी प्रॉब्लम कैटर हो। ओके, तो चलो इसी नोट के साथ हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड डू नॉट स्टडी हार्ड बट स्टडी जॉयफुली। तो इसी जोश और खरोश के साथ फिर हम लोग मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।